सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो हमको मुक्ति भी करा दे और साथ में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति भी करा दे, तो इसमें फिर दो प्रकार के साधन बताए भागवत जी में। एक तो वो साधन जो केवल मुक्ति कराएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कराएगा। भागवत जी में ऐसी भी साधना है, ऐसी भी कथाएं हैं जो केवल मुक्ति कराएंगी, कृष्ण की प्राप्ति नहीं कराएंगी। और भागवत जी में ऐसी भी कथाएं साधना है जो मुक्ति से भी आगे श्री कृष्ण प्रेम का रस स्वादन कराने वाली। तो दो प्रकार की कथा है। तो कहा कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शास्व साधनम तद्बुधादुमा, तो ऐसा हमको उपयुक्त साधन बताओ। और ये आप ही बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा साधन ग्रंथों में नहीं। आप कहेंगे ग्रंथों में नहीं तो भागवत जी में कैसे? का भागवत जी में है तो सही, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। रसोई में खाने पीने की सारी चीजें हैं, लेकिन छोटा सा जो बच्चा है ना, उसको तो मां ही देगी। मेडिकल हॉल में हर प्रकार की दवाई रखी है, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं लेंगे। वो तो जो वहां पर नियुक्त किया गया है, वही व्यक्ति हमको औषधि देगा। हॉस्पिटल में तो हर प्रकार का उपचार होता है, हर प्रकार की दवाई है, हर प्रकार के डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे लिए रोग के अनुसार। वो हम नहीं तय करेंगे, वो डिपार्टमेंट तय करेगा। तो भागवत जी तो सब कुछ है इसमें, लेकिन हम अबोध हैं, हमको नहीं पता कौन सी चीज हमारे लिए है। गीता जी भी यही है। गीता जी ज्ञान की चर्चा भी करती है, गीता जी प्रेम की भक्ति की भी चर्चा करती है, लेकिन कौन से श्लोक ज्ञानियों के लिए है और कौन से श्लोक भक्तों के लिए है? एक कर्म का मार्ग है वो भक्तों के लिए है, एक अकर्म का मार्ग है वो ज्ञानियों के लिए, एक आत्म साक्षात्कार मार्ग है वो ज्ञानियों के लिए, और एक भक्ति का श्री कृष्ण साक्षात्कार का मार्ग वो भक्तों के लिए। अब ये कौन बताएगा कि गीता का कौन सा श्लोक भक्तों के लिए है और कौन सा श्लोक ज्ञानियों के लिए है? दोनों रास्ते अलग अलग है। एक में केवल कल्याण है, आत्म साक्षात्कार में केवल कल्याण है, और भक्ति में कल्याण प्लस श्री कृष्ण प्राप्ति, दोनों काम होंगे। अब ये कौन बताएगा हमको? ये हमको संत बताएंगे। इसलिए तो कहा कि संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पड़े पोथी।